हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑटो एम एस 20। मैं आनंद राजपूत आपका स्वागत करता हूँ आज के व्लॉग के अंदर। तो देखिएगा, आज का व्लॉग उन लोगों के लिए रहने वाला है जिनको 7 सीटर गाड़ियों में इंटरेस्ट है या कोई SUV खरीदना चाहते हैं, जैसे कि क्रेटा। और 7 सीटर में हमारे पास 2 अर्टिगा रहेगी या फिर एक छोटी गाड़ी जो होती है, एक फैमिली कार नैनो, जो कि बहुत चीप रेट में आजकल मार्केट में मिल रही है, बेस्ट ऑप्शन हो गया है जिनका बजट कम है उनके लिए। तो वो गाड़ी भी आज रहने वाली है। मैं आया हूँ पीयूष ऑटो कंसल्टेंट के ऊपर। उनका अगर एड्रेस और नंबर आप अगर चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो देखने मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे जो नाम लिखा होता है वहीं पर होता है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वहाँ पर। और बार बार सवाल मत पूछिएगा कि आपने नंबर नहीं दिया, हर ब्लॉक के नीचे मैं आपको नंबर देता हूँ। पीयूष ऑटो कंसल्ट के जो मालिक है वो आज हमारे साथ है। आइए सर, तेजस सर वेलकम। तो आप एक एक कर हमको इन्फॉर्मेशन देंगे आज। तो ये जो गाड़ी खड़ी है वाइट कलर में, MH 46 वाइट कलर में गाड़ी खड़ी है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये 2019 की गाड़ी है और इसका जो है 2019 के 11 महीने की गाड़ी है। 19 का 11 महीना है, फर्स्ट ओनर है, 25,000 चली वाली गाड़ी खाली। उसके बाद में इसका जो इंश्योरेंस है ये साल पूरा और अगले साल के 11 महीने तक 0% इंश्योरेंस है और 1,00,000 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड वारंटी है। ठीक है सर, एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी आप? यस एक्सटेंडेड वारंटी 1,00,000 किलोमीटर तक। उसका पैसे भी पेड किया वाला ऑलरेडी है उसके साथ। ओके, पैसे पेड किया ऑलरेडी उसके साथ में। तो कितना किलोमीटर चली है गाड़ी? 25,000 गाड़ी चली है। और कितना आस्किंग है इसका प्राइस? इसका 12,50,000। 12,50,000 पूछ रहे हैं। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। ZDI टॉप एंड? VDI। ओके, VDI मॉडल है, दोनों भी की है। yes, चलेगा। तो ये गाड़ी के बारे में तो बता दिया, अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं गाड़ी के? इसके अंदर AC, पावर स्टीयरिंग, ऑल पावर विंडो, 2 एयरबैग, टोटली फंक्शन इसके अंदर है। रिवर्स कैमरा है, रिवर्स सेंसर कैमरा सिस्टम, सब म्यूजिक सिस्टम वगैरह टोटली फंक्शन इसके अंदर। ओके, चलेगा सर। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट गाड़ी रहेगी ग्रे कलर में, क्रेटा गाड़ी है। तो ये गाड़ी कब का है भैया? ये 2017 का दिसंबर महीना, 2017 का दिसंबर महीना रहेगा। ये 1.6 में SX सेकंड टॉप मॉडल है। 1.6 में SX टॉप सेकंड टॉप मॉडल है। गाड़ी डीजल है? डीजल मॉडल है। 69,000 चली वाली टोटली ओरिजिनल गाड़ी है। 69,000 चली है और टोटली ओरिजिनल गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है। इसके अंदर AC, पावर स्टीयरिंग। ओके, आप क्या क्या है एक बार बताइए माइक के अंदर। AC, पावर स्टीयरिंग, ऑल पावर विंडो और AC में ऑटो कंट्रोल AC इसके अंदर। ओके, ऑटो कंट्रोल, ऑटो कंट्रोल AC है। 2 एयरबैग है, रिवर्स सेंसर है, अलॉय व्हील है, टोटली फंक्शन इसके अंदर। टोटल फंक्शन, एक्चुअली पूरे टोटल फंक्शन रहने वाले हैं। भैया, इसके ऊपर फाइनेंस आप करवा के देंगे अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो? यस। प्राइस कितना पूछा है इसका? 11,50,000। 11,50,000 रुपए पूछे हैं। और प्राइस निगोशिएबल होती है, आप ये मत बोलना कि बहुत कॉस्टली होगी, ऐसा है वैसा है। देखिए, गाड़ी क्लीन है। ये अपने पास खासियत क्या रहती गाड़ी की? दो पैसे अपने पास गाड़ी की खासियत ये रहती कि अपने पास गाड़ी ओरिजिनल मिलती है, एक्सीडेंट गाड़ी मिलती नहीं। दूसरी बात है, अपने गाड़ी की अपन गारंटी देते, एक्सीडेंट गाड़ी रही तो ही ये होता है अपने पास। पर गाड़ी में इंजन काम भी नहीं मिलता अपने पास, इंजन काम वाला यानी किलोमीटर भी अपने पास गाड़ी का ओरिजिनल मिलता है, ये खासियत है अपने पास गाड़ी। ओके सर, तो ये खासियत रहेगी सर की। और बाकी निगोशिएशन तो ये लोग कर देंगे, ये मत सोचना कि गाड़ी की कीमत जो बताई वो फाइनल ही है। तो सर, ये गाड़ी हो गई, पासिंग क्या था इसका? MH 12, मतलब पूना पासिंग बोले तो बेस्ट गाड़ी है। मैनुअल ट्रांसमिशन थी? मैनुअल ट्रांसमिशन है। ओके, चलेगा, मैनुअल गाड़ी है। अभी ये नेक्स्ट गाड़ी है अर्टिगा MH 46 6464, नंबर भी VIP रहेगा। आर्टिका यूजुअली टैक्सी पासिंग में ही देखा है मैंने, ये नॉर्मल पासिंग है, प्राइवेट पासिंग। ओके, नॉर्मल पासिंग में गाड़ी है, आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। ये ZDI मॉडल है। ठीक है सर, ZDI मॉडल, इसके फंक्शन बता दीजिएगा। ये 2016 का ZDI मॉडल है। सेकंड उसमें ZDI प्लस में जो है तो उसमें बटन स्टार्ट आता खाली, इसके अंदर बटन स्टार्ट और टच स्क्रीन, ये दो मॉडल ने दो नहीं फंक्शन इसके अंदर। ये 2016 का है, 1,20,000 किलोमीटर चले वाला है। इसके चारों भी टायर 80% है, अलॉय व्हील वगैरह सब गाड़ी के अंदर फीचर्स, पावर विंडो, AC,
उसके बाद में उसको सब फंक्शन और अलॉय व्हील भी इसके अंदर है और इसकी 7.5 लाख रुपये ऑफर है। ओके, 7.5 लाख रुपये ऑफर पूछ रहे हैं, तो एक एक करके मैं और बता देता हूँ आपको। किलोमीटर भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। 120,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, ZDI मॉडल है, 2016 का ZDI मॉडल है। तो नेक्स्ट गाड़ी देखेंगे, अभी ये गाड़ी भी है, एवरेज कंडीशन है, आप आकर देख सकते हो खुद भी। यहाँ पर टैक्सी पासिंग एक बार ये बता दीजिएगा, ये टैक्सी पासिंग गाड़ी है, कोई कन्फ्यूजन मत रखना यहाँ पर। अभी नेक्स्ट वाली जो गाड़ी आ रही है स्विफ्ट डिज़ायर टूर एस नाम की गाड़ी है, टैक्सी पासिंग, टैक्सी पासिंग है। शायद इसका जो बोन बम्पर होता है नीचे का वो वाइट ब्लैक कलर में आता है ना, लेने के ऊपर आपको लेने के ऊपर। ओके, बेसिक और टॉप ऐसा कुछ होता होगा इसके अंदर। तो ये स्पेशल 2000 कब का मॉडल है? ये 2018 का मैन्युफैक्चरिंग है, 19 का रजिस्ट्रेशन है। 2018 का मैन्युफैक्चर और 19 का रजिस्ट्रेशन गाड़ी का की है। गाड़ी सिर्फ 30,000 चली है। और इसका फैसिलिटी क्या क्या दी गई है गाड़ी की वो बताइए। इसके अंदर AC, पावर स्टीयरिंग और सामने के दो पावर विंडो और सिंगल एयरबैग। ओके, सिंगल एयरबैग और सेंट्रल लॉकिंग। और सेंट्रल लॉकिंग भी मिलेगी। यस यस यस। कौन सा मॉडल है ये? ये स्विफ्ट डिजायर में टूर मॉडल कंपनी का एक ही सिंगल ही मॉडल आता है इसके अंदर। टूर मॉडल इसके अंदर कोई मॉडल्स नहीं मिलते हैं, सिंगल ही मॉडल आता है, सिंगल ही मॉडल आता है इसके अंदर। तो इसका प्राइस क्या पूछ रहे भैया अपन? 5,80,000 रुपये में आपको गाड़ी मिलेगी। इसके अंदर भी कम होने वाला है, कोई चिंता ना कीजिए। MH12 रजिस्टर गाड़ी है और बाकी टैक्सी पासिंग है, तो इसका यूज़ कहाँ हुआ होगा वो मैं नहीं बता सकता आपको, पर गाड़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो भैया अभी नेक्स्ट वाली गाड़ी जो है हमारी नैनो रहेगी, बराबर, सब में बजट फ्रेंडली गाड़ी रहेगी, ये गारंटी है। हाँ, यस यस। सब में कम कीमत में आप बताओगे? यस यस। मुझे कम कीमत चाहिए, आप जो रेगुलर कस्टमर को देते वो वाली कीमत में आज गाड़ी नहीं देखने वाला हूँ मैं। नैनो मुझे लोवेस्ट रेट के अंदर आपसे मिलनी चाहिए, ठीक है? तो एडिशन मॉडल है, अच्छा मॉडल है, टॉप मॉडल है। कौन सा टॉप मॉडल है इसका? एडिशन मॉडल है। हाँ। ट्रेडिशन मॉडल रहेगा। तो ये रही हमारी नैनो, पिस्ता कलर देखिएगा, मेरे लैंग्वेज में तो पिस्ता कलर ही बताऊंगा उसको। रेड कलर के ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही खूबसूरत गाड़ी है। अलॉय व्हील्स भी एक बार बता देना गाड़ी के, अलॉय व्हील भी गाड़ी के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है भैया, मतलब छोटी गाड़ी थी मगर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है गाड़ी का। तो कंपैरेटिवली देखें तो बाकी गाड़ियों से ज़्यादा दिखाई दे। MH21 गाड़ी है, जालना पासिंग। भैया ये जो गाड़ी है ये फर्स्ट ओनर है? सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर है। कब की है ये? 2012 का मैन्युफैक्चरिंग है, 13 का रजिस्ट्रेशन। 2012 की गाड़ी है और 13 का रजिस्ट्रेशन है। तो गाड़ी किलोमीटर कितना हुआ है? किलोमीटर 45,000। तो अभी सब में मेन जो बात है, मतलब गाड़ी में फीचर्स क्या आते हैं इस तरह, मतलब ये इसके अंदर फीचर जो है तो तुम्हारे को पावर विंडो, उसके बाद में सेंट्रल लॉकिंग, अलॉय व्हील और AC, ये फंक्शन इसके अंदर आते हैं। ये स्पेशल एडिशन है, इसके वास्ते आपको ये फंक्शन मिल रहे हैं, नहीं तो सादे इसमें फंक्शन नहीं मिलता। ओके ओके ओके। और इसका एवरेज कितना आता होगा? एवरेज 25। यस यस यस। देती है पेट्रोल? यस यस यस। क्या बात। तो भैया ये गाड़ी जो है अभी इसका प्राइस बता दीजिएगा। देखिए और कुछ कम कर सकते हैं? तो अभी कस्टमर आने के ऊपर थोड़ा बहुत कर देंगे अपन, कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत निगोशिएशन हो जाएगा। 60,000 रुपये आप मांग रहे हैं अभी? 60 मांग रहे हैं अपन, थोड़ा सा आने। देखिए यहाँ पर भी अगर आप कुछ थोड़ा और कम कर देते तो चल जाएगा। 50 में दे देंगे। चलो 50 में बोल दिया भैया ने, देखो 60 का और 50 का, 50 के अंदर फाइनल गाड़ी मिल जाएगी। आइए, डॉक्यूमेंटेशन आप करवाएंगे, सामने वाला करवाएगा, उनकी जवाबदारी है पूरी। गाड़ी क्लियर भी टाइटल मिलेगी, नो एक्सीडेंटल नथिंग, सही है भैया? ओके, गारंटी मिलेगी। तो पीयूष ऑटो कंसल्टेंट का सेकंड ब्लॉग रहेगा हमारा, आज ही मैं शूट करने वाला हूँ, पर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको, नेक्स्ट मतलब अनदर वीडियो के अंदर आपको मैं उसका बताऊंगा। उसके अंदर रहेगा सारे पिकअप गाड़ियाँ, और पिकअप गाड़ियों में बोलेरो का पिकअप रहेगा। चार गाड़ियाँ अवेलेबल है अभी हमारे पास, एक एक करके मैं कवर करने वाला हूँ उन गाड़ियों को नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि नेक्स्ट व्लॉग से अभी एक एंटरटेनमेंट का भी एक पार्ट हमारे इसके अंदर, हम व्लॉग के अंदर एक ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर रेगुलरली मैं आपको कुछ सवाल पूछा करूंगा और उसके जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करने वाला हूं। तो आज का जो सवाल है थोड़ी देर से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो एक बार देखिएगा। जस्ट एंटरटेनमेंट का पार्ट है, हमारे व्लॉग से उसका कोई रिलेशन है नहीं, बस देखिएगा और एंटरटेनमेंट बोलकर आप एंजॉय करके वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। तो चलो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।